यदि आप अपने स्वप्न में चीता के ऊपर जलते हुए मनुष्य को देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि जो स्वप्न देखता है उसे अचानक ही विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके घर से गाय अपने बछड़े के साथ निकलकर कहीं चली जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी इतनी बुरी तरीके से कुपित होकर आपके घर से गायब होंगी कि आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। यदि कोई औरत अपने स्वप्न में साधु को देखता है, किसी संत को देखता है, ऋषि या फिर पीला वस्त्रधारी महात्मा उसे दिखाई देते हैं और वो उनको फल प्रदान करते हैं या फिर कोई आशीर्वाद देते हैं, तो कालांतर में उस महिला के जीवन में उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी होने वाली है। यदि कोई भी स्त्री अपने स्वप्न में माता भगवती की आराधना करती है और माता ने उसे अपने स्वरूप को दिखा दिया हो, अपना दर्शन दे दिया हो और माता का चेहरा मुस्कुरा रहा हो, तो यह बात कन्फर्म है कि उस महिला के जीवन में किसी पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न में सर्प का दर्शन करता है और वैसा सर्प जिसकी लंबी लंबी मूछें हो और वह सर्प क्रोध से देख रहा हो, तो यह चीज जान लीजिए कि घोर विपत्तियों से ग्रस्त होने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें ग्रहों का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से रक्षा होती है। यदि कोई भी व्यक्ति बार बार अपने स्वप्न में अनेक ऋषि महर्षि को देखता है, साधु संत को देखता है, तो यह निश्चित है कि उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि कोई महिला अपने स्वप्न में देखे कि कोई लाल वस्त्र पहनी महिला उसके हाथों से कंगन और मंगलसूत्र छीन रही है और उस महिला का उस स्वप्न में झगड़ा हो रहा है, उस लाल वस्त्र धारण करने वाली महिला को भगा दिया, यदि ऐसी घटना होती है उस स्वप्न में, तो यह मान के चलें कि उस महिला के पति के साथ कोई बुरा से बुरा घटना होने वाला है, लेकिन कुल मिला जुला कर किसी तरीके से उसका जान बच जाएगा। उसकी पत्नी को चाहिए, जिस किसी ने भी इस स्वप्न को देखा है उसको चाहिए कि बटुक भैरव के मंत्र का प्रयोग अपने पति की प्राण रक्षा के लिए करे। मित्रों, मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। वैदिक प्राकृतिक जीवन के स्वप्न सीरीज की इस वीडियो में सारे के सारे प्रामाणिक जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम लगी रहती है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर कमेंट करना तो कदापि मत भूलिए। यदि कोई भी महिला अपने स्वप्न में किसी दिव्य पुरुष को देखती हो, तो देखने में कोई साधक जैसा लगता हो और वह साधक उस महिला को कुछ गिफ्ट देते हो, कोई वस्तु देते हो, तो यह बात भी कन्फर्म है कि उस महिला की मनोकामना निकट भविष्य में पूर्ति होने वाली है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो शुभ परिणाम देने वाले स्वप्न है उनकी चर्चा भूल से भी किसी से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके परिणाम मिलने में विलंब होता है और कदाचित उनके परिणाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। यदि कोई महिला स्वप्न में यह देखे कि उसके सिर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, बार बार डाई करने पर भी वे काले नहीं हो रहे हैं, तो यह बात कन्फर्म है कि विपत्तियों की श्रृंखला शुरू होने वाली है, उसके जीवन पर विपत्तियों का पहाड़ आने वाला है। तो इसके लिए आप यह नोट कर लें कि आपको प्रातःकाल किसी शिवालय में जा करके बाबा शिव का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए और इन बुरे प्रभाव देने वाले सपनों का किस तरह से निराकरण हो उसके लिए किसी गरीब व्यक्ति को पेट भर भोजन अवश्य करा दें जितना आपका सामर्थ्य हो, और साथ ही ओम नमः शिवाय या फिर राम रक्षा स्त्रोत
इसका पाठ करना चाहिए, जो कोमल हृदय को धारण करने वाले परम पवित्र मनुष्य होते हैं उनको दैवी कृपा से स्वप्न दिखाई देते हैं। तो अपने सपनों का सम्मान करिए और उसको देखते रहिए, उसके पीछे के विज्ञान को जानने का प्रयास करिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।